कांग्रेस का योगदान इस देश को बचाने में और देश में लोकतंत्र को बचाने में कांग्रेस का बड़ा योगदान रहेगा, और उस योगदान में जो उत्तर प्रदेश की जनता है, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, उत्तर प्रदेश की कांग्रेस है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान करेगी। इसलिए अभियान चल रहा है, अभियान के विभिन्न पहलू हैं, उसमें एक अपने साथ नए लोगों को जोड़ना और उन लोगों को जोड़ना जो हमें सशक्त करेंगे और मजबूत करेंगे, और एक संदेश भिजवाएंगे कि जो लोग अभी तक हमको नहीं समझ पा रहे थे वो हमको समझ लें और हमारे साथ आ जाएं। इस समय सर चार राज्यों में चुनाव होने और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा एक बार फिर सामने आया है। अरे वो इनको तो हर चीज़ यूनिफॉर्म अच्छी लगती है, हर चीज़ यूनिफॉर्म इनको, वो खाकी पतलून अच्छी लगती है इनको, हर चीज़ यूनिफॉर्म अच्छी लगती है। हम तो इस देश में डाइवर्सिटी को स्वीकार करते हैं। कोई उर्दू बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई अंग्रेज़ी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई मराठी बोलता है, एक ही भाषा नहीं बोलते। हमारे कपड़े अलग हैं, हमारा खान पान अलग है, हमारी वेशभूषा अलग है। इस देश में तो हर किस्म के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं और हर कल्चर के लोग हैं, उनको एकत्रित करके, इकट्ठा करके एक गुलदान हमको बनाना है, गुलदस्ता हमको बनाना है। और ऐसा ही गुलदस्ता, इसी की कल्पना हमारे बुजुर्गों ने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, गांधी जी ने की थी, इंदिरा जी ने की थी, जो गुलदस्ता हम बनाना चाहते हैं इस देश को और सुरक्षित रखना चाहते हैं इस देश में, उस गुलदस्ते को ये सिर्फ एक ही रंग में बदल देना चाहते हैं, एक ही रंग को हर जगह लगा देना चाहते हैं। वो हमें स्वीकार नहीं है, ना वो इस देश को कहीं स्वीकार होगा। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, हम तो सिर्फ देश की भावना को स्पष्ट कर सकते हैं। भाजपा आरोप लगा रही है कि पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अंदर जो कलह का माहौल है वो ठीक कर ले, उसके बाद अभियान चलाएं। नहीं, अब उनकी कलह में बताऊं, भारतीय जनता पार्टी की कलह बताऊं, कहां कहां क्या क्या कलह है, कहां तक कलह पे करेंगे, वो अपने घर की बात करें, हमको हमारे घर पर छोड़ दें। तो ये थे कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद जी, जिनका कहना है कि पहले वो भाजपा अपने घर के कलह को निपटाएं, उसके बाद हमारे घर के कलह को देखें। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।